हरिओम हरे राम। बोलिए स्वामी धर्मदास साहब की जय, स्वामी अटल राम साहब की जय एवं स्वामी पेशुराम साहब की जय। आज एक बार फिर बुधवार, कहते हैं बुध शुद्ध, और शुद्ध बुध के दिन स्वामी धर्मदास दरबार दिल्ली लाजपत नगर के शाम के सत्संग में पुनः सभी का स्वागत है। अभी अभी 27 सितंबर को यूएन यूनाइटेड नेशंस प्लेविज वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया था और थीम था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। आइए इस कैच फ्रेज से प्रेरणा लेते हुए हम इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि चौतरफा विकास, सर्वांगीण विकास, ऑलराउंडेड ग्रोथ की बात करें। व्हेन वी से ऑलराउंडेड या इंक्लूसिव ग्रोथ, हम ये कहना चाहेंगे ग्रोथ जो बाहरी हो, बाह्य हो, भौतिक विच मीन्स द लिविंग स्टैंडर्ड, लाइवलीहुड, इमोशनल, मेंटल एट्सेट्रा, और आंतरिक या आध्यात्मिक विकास के रूप में। ये दोनों विकास एक साथ चलने चाहिए, तभी व्यक्ति पूर्ण माना जाएगा। हालांकि व्यक्तित्व हमेशा अपूर्ण ही होता है। आइए इस कैच फ्रेज से प्रेरणा लेते हुए स्वामी धर्मदास की वाणी से कार्यक्रम का शुभारंभ कहते हैं। उनकी वाणी का आशय है बाहर तो बहुत घूम लिया हम सब ने बार बार, आइए अंदर की ओर, या यूं कहें अब अपने अंदर ही जाएं। अंदर गोलन ही खास मकसद। कहते हैं स्वामी धर्मदास साहब, वाच खावण को दूर करिए, मुख्य लक्ष्य राखो हृदय बीच भाई। दुनिया माही चेतन समान व्यापक, हृदय बीच चेतन विशेष भाई। मन बुद्धि इंद्री प्राण जड़ जानो, और जड़ है सगल प्रपंच भाई। धर्मदास साखी कोई शीश भासे, सोई आप नाही भेद रंच भाई। अंदर गोलन ही खास मकसद। एंड इन सिंधी इट मीन्स बे हंत भिटकन खा खटी करे, परमात्मा के पसंद डिसन जे लक्ष्य के पेंजे दिली हृदय में रख। सृष्टि में चेतन स्वरूप सर्व व्यापक आहे, पर हृदय अंदर खास तौर सा मौजूद आहे। उन्हीं चेतन जी मौजूदगी बिना पंजई इंद्रियों मन बुद्धि प्राण ऐसारो संसारी झमेलो जड़ मिसल आहे। स्वामी धर्मदास जन छंड छाण करे बुधाइन था, त इन्हन मथियन जड़ ऐसाकार रूपन खा, बाकी उहो ही निराकार पाण परमेश्वर आहे, जी को साखायत हर हिक में मौजूद थी सृष्टि हलाये थो, इन में रति बराबर भी संसो ना आहे। और इसी को हमारे कठोपनिषद ने कहा है, आवृत चक्षु यानी कि अपनी बाह्य इंद्रियां को जो बाहरी दुनिया देखने के लिए तथा कथित रूप से बनाई गई हैं, अंदर की ओर ले जाओ। और कठोपनिषद नेल्स द थॉट बाय सेइंग कश्चित धीर प्रत्यगात्मन एक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व मिच्छन। कोई कोई ब्लेस्ड और बुद्धिमान पुरुषी चक्षु स्टैंड्स फॉर अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से लौटाकर अंतरात्मा को देख पाता है। और तभी चरितार्थ होती है वसुधैव कुटुंबकम की वो धारणा जो हमारे उपनिषद में हजारों साल पहले लिखी या बताई गई थी, विच सेज अयम निज परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मेरा पराया छोटी सोच वाले करते हैं, उदार चरित वाले तो समस्त संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। इसी को स्वामी धर्मदास साहब का एक पॉपुलर कलाम में कहते हैं हम, और ये दरबार में बड़ा पॉपुलर है, एन गैन विच फर्क न घोई थी इश्क मंझा इंसान अल्लाह आप छुपाया है। द अवाउट एम ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी इज अंदर गोलन। हमारे दरबार जैसी संस्थाएं, दरबार का सूफी संगीत, सदगुरुओं की वाणी, उनकी टीचिंग्स, उनके लाइव्स ऑल हेल्प अस टू टर्न इनवर्ड्स एंड सीक द डिवाइन दैट इज आवर ट्रू नेचर विद इन। जीवत्व से ब्रह्मत्व की ये जर्नी है, जैसा कि डेविड मिशेल ने अंग्रेजी में बड़े सरल तरीके से कहा है, ट्रैवल फार इनफ एंड यू मीट योरसेल्फ।
At this point, let me bring in the story of a Sindhi Indian Air Force hero of the 1965 war, Prem Ramchandani ji, whose Shahidi Divas was observed on 26 September. कहते हैं कि प्रेम रामचंदानी मात्र 7 वर्ष के थे जब विभाजन की विभीषिका सिंधी समुदायों को झेलनी पड़ी थी। उसके बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। वहां वे जयसिंह कॉलेज में पढ़े, प्रेम आईएएफ में दाखिल हुए और उस स्क्वाड्रन को 1965 वॉर में लीड कर रहे थे जिसका मोटो था, नॉट सरप्राइजिंगली, लक्ष्य वेद। उनकी ड्यूटी थी कराची एयरबेस को ध्वस्त करना। 9 अटैक्स में उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन 10वें अटैक में उनके प्लेन में आग लग गई, जो ग्राउंड फोर्स दुश्मन के ग्राउंड फोर्सेस के शूटिंग के कारण है। स्वाभिमानी देशभक्त रामचंदानी प्राण बचाने के लिए वही इजेक्ट कर सकते थे, लेकिन दुश्मन के क्षेत्र में इजेक्ट कर प्रिजनर ऑफ वॉर की जिंदगी जीने से बेहतर उन्होंने शहादत को माना और लगातार फाइटर प्लेन को उड़ाते हुए, जो अब मानो आग का गोला ही था, अमृतसर ले आए और वहां इजेक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली उनके जीवन को बचाया नहीं जा सका अस्पताल में, बट दिस ब्रेव सन ऑफ सिंध डिजर्व्स आवर कलेक्टिव सैल्यूट टुडे। अ रोड इन मुंबई इज नेम्ड आफ्टर हिम। आई ब्रॉट द स्टोरी टू रीइंफोर्स अनदर पॉइंट इन स्पिरिचुअल जर्नी, and that is to expand one's consciousness beyond one's immediate body, mind and intellect complex, one's limited self, one's illusory self, to include others beyond your immediate family and friends. Fix your consciousness to a goal outside of you, include your neighborhood, your state, your country, and that is where nationalism comes in. And that is where Raja Ram Mohan Roy, जिनकी अभी 27 September को death anniversary मनाई गई, ने भी किया। And at a later stage, the entire universe, चर और अचर जगत सारे, जैसा कि हमारे स्वामी पेसुराम ने किया, when he identified himself with the whole, the samashti, taking up the pen name Premi, and composed a very beautiful and meaningful kalam, sab mein sajan sai tu hi vasi to aaye to bina kyun pe. Ant mein kya poochte hain swami ji, suniye. Prem tua pritam tua tuvari premi aahe ke. When there is no other, no duality, there is no fear, no enmity, no hatred, and that is the essence of the real spiritual journey. Sabhi ko swayam mein dekhna ya swayam mein sabko dekhna. स्वामी धर्मदास साहब की पॉपुलर कलाम है, किरोड़े वार कुर्बान उनातू जिना इश्क इलाही आया, सिरदा सरफा मूल न करंदे शौक शहादत पाया। आई एम श्योर दिस इन अ स्मॉल मेजर इज व्हाट ही वुड हैव सेड हैड ही हर्ड ऑफ द शहादत ऑफ प्रेम रामचंदानी। Another now very popular day, thanks to the explosion of social media, was the observance of Daughters' Day on the 25th of September. Definitely in origin a Western import, but popularized by the greeting cards and gifts company Archie's Limited in India. And I have been wanting to take this opportunity to share a Tagore translation in Sindhi of the famous story Kabuliwala, translated by Hundraj Balwani ji under the aegis of the Sindhi Academy, which is about a father's emotional identification with the daughter of a client in a far-off land, Reed, Calcutta, where he has come for selling dry fruits, and the myriad shades of emotion that Tagore has beautifully portrayed. Again, making the same spiritual point that all humanity is essentially one. काबुलीवाले का दूसरे की बच्ची में अपनी बच्ची को देखना, उसकी शादी के दिन जेल से लौटने पर बच्ची से खास मिलने आना, बच्ची के माँ बाप का काबुली वाले को गलत समझना और उनकी इस बात को समझ लेने पर ग्लानी फील होना। इस कहानी में काबुली वाला अपनी मातृभूमि काबुल, जहाँ इन दिनों अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण गदर मची हुई है, यादें सिंधियों के लिए विशेष रूप से सदा प्रासंगिक रहेगी, जिन्हें विभाजन की विभीषिका के बाद अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। और जैसा कि महान संत कवि रूमी ने कहा है, और साधु वासवानी जिस पर बहुत जोर देते हैं,
exiles from one's original homeland is an essential part of spiritual evolution. अपनी मातृभूमि से बिछड़ने की घटना अपने वास्तविक घर यानी परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का एक रूपक या एक मेटाफर के रूप में साधु वासवानी लेते हैं. He says that this points out to the temporariness of everything, the non-permanence, the illusionariness of what we see, of worldly achievements, attachments, and this should help us turn inwards, he says, and discover our true eternity, satyam jnanam anantam brahm. अश्विन महीने के कार्तिक अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो कि आज का दिन है, जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत के रूप में माताएं मनाती हैं, जिसमें वो निर्जला व्रत रखती हैं और अपने बच्चों के सुखद जीवन और सुरक्षित जीवन के लिए निर्जला व्रत करती हैं. मे गॉड एंड द सद्गुरुज ब्लेस ऑल सच मदर्स. Our own Guru Swami Pesuram Sam's mother and Dadi Kundanbai ने उन्हें smallpox से बचाने के लिए संत शखी राम के दरबार में गुहार लगाने गई थी, जहां स्वामी धर्मदास उन्हें मिले थे और बच्चे में संत लक्षण देखते ही फ्यूचर स्वामी पेसुराम को पहचान गए थे. बोलिए सदगुरुओं की जय. सूफीवाद में ईश्वर माशूक और सूफी आशिक है. अमीर खुसरो तभी तो कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार. आइए भक्ति संगीत या सूफी कलामों की प्रेम रूपी दरिया में डूब जाएं. डुबाने वाले आज हैं श्रीनंद भाटिया जी, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन. पितृपक्ष चल रहा है और हमारे स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स हमारे गुरु हैं. Let me dedicate this program to the three Sadgurus of the Darbar. Aiye Nanji, aapka swagat. शुक्रिया काजल जी, इतना विवरण से और इतना सरल भाषा में समझाया है कि हमारे बीच में से कितने महापुरुष और कितने ऐसे व्यक्ति जो इस संसार में आए और उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए इतना कुछ किया. वैसे तो आजकल लोग भाषण पे, प्रवचन पे इतना ध्यान नहीं देते. लोगों को कान का रस चाहिए, संगीत चाहिए. लेकिन अगर हम डेप्थ में जाएं, गहराई में जाएं, तो कभी कभी इन प्रवचनों में से और इन शब्दों में से हमें इतना ज्ञान मिलता है कि हमारे समाज में से महापुरुष तो है ही है, वो तो अटल है, अमर है, उनकी तो हम पूजा करते हैं, बंदगी करते हैं. लेकिन कुछ सामाजिक संसार में ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए एक उदाहरण बन जाते.
जैसा कि बताया स्वामी धर्मदास जी ने, कहा करोड़ वारी कुर्बान उना तू जिना इश्क इलाही आया। ऐसी प्रेरणा वो परम पिता परमेश्वर, वो सुप्रीम पावर चंद लोगों को देते हैं। बहुत विरले पुरुष होते हैं जो निस्वार्थ और बिना किसी लालच के सेवा करते हुए अपना जीवन गुजार देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं भगत सिंह, ऐसे ऐसे लोग जो जवानी में उन्होंने परवाह नहीं की और सूली पर चढ़ गए, तो धर्मदास जी यही हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं। इश्क़ इलाही आया जिन्ना इश्क़।
Oh,